मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस और जेडीएस के संयुक्त उम्मीदवार भारत यादव ने अपने क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से 7 दिसंबर के दिन उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने यादव समाज के लोगों के अलावा अन्य लोगों से अपील की कि वह विकास के लिए सही प्रत्याशी की पहचान करें। उन्होंने तिजारा मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में उनके पिता जगमाल सिंह यादव और अब उनकी ओर से किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर एक उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में जब उनके पिता पर विश्वास जताया तो जनता ने उन्हें राजस्थान सरकार में मंत्री पद पर पहुंचाया। उनके पिता ने विकास कार्य कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब जनता बदलाव का मन बना चुकी है तो क्षेत्र में लोगों के बीच उनके विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने वादा किया कि समाज की ओर से पहनाई गई पगड़ी के सम्मान को नीचा नहीं होने देंगे। भारत यादव ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत गांव बालकिशन की ढाणी में करते हुए ग्रामीणों की नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उनका जगह जगह पर फूल माला और पगड़ी से सम्मान किया गया। ग्रामीणों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। कुछ जगहों पर उनके समक्ष मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भारत यादव ने अपने क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से 7 दिसंबर के दिन उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। यादव समाज के लोगों के अलावा अन्य लोगों से भी अपील की वह विकास के लिए सही प्रत्याशी की पहचान करें। तिजारा मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से उनके पिता जगमाल यादव से उम्मीद जगी थी कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनके पिता पर विश्वास जताया और जनता ने ही उन्हें राजस्थान सरकार में मंत्री बनाया। उनके पिता ने विकास कार्य कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब जनता बदलाव का मन बना चुकी है तो क्षेत्र के लोगों के बीच उनके विकास कार्यों को लेकर समाज की ओर से पहनाई पगड़ी के सम्मान को नीचा नहीं होने देंगे। भारत यादव ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत गांव बालकिशन की ढाणी में की। राजस्थान में और मुंडावर गठबंधन के साथ राजस्थान में 5 सीटें गठबंधन के समझौते में लड़ रही हैं। पांचों सीटों पर गठबंधन के साथ राजस्थान की जनता है और जब जिस दिन 11 तारीख को परिणाम आएगा 160 प्लस कांग्रेस और गठबंधन सीटें लेकर आएगी। आज के माहौल को और जनता के उत्साह को देखते हुए 11 में से 11 ये रिकॉर्ड कायम होगा, 11 में से 11 कांग्रेस के पास। मेरे को 18 तारीख को टिकट मिला है, 18 तारीख से मैं मुंडावर विधानसभा में घूम रहा हूँ और नीमराणा इंडस्ट्री एरिया इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि आज 11 विधानसभाओं में अगर मुंडावर की हम तुलना करें तो 11वें नंबर पे सबसे नीचे वाले पायदान पे मुंडावर विधानसभा है। एक समय था जो 11 विधानसभाओं में सबसे नीचे पायदान पर तिजारा विधानसभा हुआ करती थी और जब तिजारा की जनता ने हमारे कंधे पर मजबूत ये जिम्मेदारियाँ दी तो आज तिजारा का आकलन आप करेंगे, आप भी मीडिया के लोग हैं, तो 11वें नंबर एक पे तिजारा विधानसभा है। और अगर पब्लिक ने जिस हिसाब से मुझे उत्साह दिख रहा है जनता का, 11 तारीख के बाद जब अगला चुनाव आएगा तो 11 में से नंबर 2 पे आ जाएगा तिजारा और नंबर 1 पे जाएगी मुंडावर। आज के दिन इतना उत्साह है लोगों में, ये बाट देख रहे हैं कि 7 तारीख की इनके तो अगर ये आए कि आज वोट डल जाए तो आज ही तोड़ कर देंगे। चुनाव नाम की औपचारिकता है, चुनाव नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ मार्जिन 30,000 से ऊपर का जीत का मान रहा है, चुनाव नाम की सिर्फ औपचारिकता है। चुनाव लोगों ने अपने मन में बना चुके हैं, सिर्फ बाट इंतजार कर रहे हैं तो वो 7 तारीख। पार्टियों बीच में फंस रहा है इसलिए नहीं मान रहा है। अब किसी कोई बनवा दे तो ठीक है, नहीं बनवाए तो आज तक आया ही नहीं कोई विधायक। जब तो हमारी ढाणी का नाम ही नहीं है, जाति विशेष नहीं हो तो बेवर अहरों की ढाणी है, दूसरी जाति नहीं है, ये कहानी है। भागमल की ढाणी में एक बार स्कूल का कमरा हमने क्या उद्घाटन करवाना था, उस टाइम मेजर साहब को इनवाइट भी नहीं किया था। सोच रहे थे मेजर साहब को बुलाएं या अपने विधायक हैं लोकल विधायक धर्मपाल जी उनको बुलाएं या जिला प्रमुख को बुलाएं, ऐसे विचार कर रहे थे। तो ये बातें धर्मपाल जी के कानों में चले गए कि भाई कहीं और किसी को नहीं बुला ले, ये धीरे धीरे उनके कानों में चली गई और गाँव की बिना सूचना के धर्मपाल जी स्कूल में पत्थर लगा गए कमरे का उद्घाटन का। उस मौके के ऊपर हमारे गांव में ततारपुर में सरपंच होते थे शुभराम जी, वो और धर्मपाल जी के आपस में बनती नहीं थी। उन्होंने सामाजिक कंटकोट के द्वारा उस पत्थर को उखड़वा दिया गया, ये सब शुभराम जी का हाथ था। उसके बाद धर्मपाल जी को तो स्वाभाविक है कि किसी को भी फीलिंग तो होगा ही, ये तकलीफ भागमल की ढाणी को हुआ।
उस टाइम में मैं रिटायरमेंट था, घर पर ही था, और वो पत्थर सुबह हमने पेपर में पढ़ा जब मेरे को राजेंद्र जी आके बताया कि भैया ऐसे ऐसे पत्थर उखाड़ दिया और ऐसे ऐसी बात हो गई। राजेंद्र जी को तुरंत अलवर भेज कर वो पत्थर दूसरा बनवाया गया। उससे पहले तो 5 थानों की पुलिस जो है बागमल की रानी को घेर लिया कि भाई जवान जवान लड़कों को उठाओ और इनका करियर ख़राब करो। इसमें धर्मपाल जी की भी हम गलती नहीं मानते, क्योंकि उनको तो जैसा कहा गया वैसा मान लिया उन्होंने, लेकिन थोड़ा यही था कि समाज के कुछ लोगों से उसकी जानकारी तो लेनी चाहिए थी। इतनी टीस हमारे को लोगों ने आपको जातिवाद भी मानो आप, और ये जसवंत जी और धर्मपाल जी के सींग पता नहीं कहाँ अटक रहे हैं। ये ग्रेवल जसवंत जी ने बनवाया था और धर्मपाल जी इसको जो है डामरीकरण नहीं होने दिया, ये पेच पसरा था इनके आपस में। ठीक है, जबकि जसवंत जी मंत्री भी बन लिए, दूसरे राजस्थान में कई जगह रोड बनवा दिए, लेकिन इसकी तरफ उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। 10-12 गांवों को जोड़ता है ये, 3 किलोमीटर बांसूर से चौराहा ततारपुर चौराहा तक को जोड़ता है ये, इसके ऊपर साधन चल सकते हैं, आम आदमी को फायदा होगा।